पिछली बार की तरह फिर हमने ट्रिंकेट स्नेक को पकड़ा था और उसको भी हमने देर रात को पकड़ा, और देर रात को पकड़ने की वजह से उसको रात को रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि रात को रिलीज़ करना थोड़ा रिस्की होता है। पिछली बार की तरह ऐसे ही हुआ, क्योंकि रात को छोड़ना हमारे लिए भी रिस्की है और उसके लिए भी रिस्की है, तो इसकी वजह से हमने उसको सही सलामत उसको एक जार में रखा, और जार में चारों तरफ से होल है, ऐसा नहीं कि चार पाँच होल है, ये पूरे जो है चारों तरफ से उसको होल किया हुआ है, आप देख सकते हो। इसे सही सलामत सही तरीके से इसको रखा, और अभी हम सुबह के वक्त आए हैं इसको सही तरीके से नेचर में रिलीज़ करने के लिए, तो अभी हम इसको सही सलामत रिलीज़ कर देंगे ताकि ये अपने नेचर में जा सके और खा पी सके और अपनी ज़िंदगी जी सके, क्योंकि हर बार की तरह मैं आपको बोलता हूँ जीने का हक सबको है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारे एक व्यूअर्स है उत्तर प्रदेश से, मिसेस मंजीत कौर, कल उन्होंने हमसे मोबाइल पर बात की और उन्होंने काफ़ी हमारी वीडियो देखी है, और उनके एक छोटे बेटे हैं जिनको घर में बिट्टू बुलाया जाता है, तो उन्होंने भी हमारी वीडियो देखी, हमसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने भी आपको सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, तो उन्हें हमारी वीडियो बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि जब अगली बार आप छोड़ने जाओगे तो हमारे बारे में थोड़ा सा जिक्र करना, तो एक बार उनका मैं नाम ले लेता हूँ, उत्तर प्रदेश से मिसेज मंजीत कौर और उनके जो छोटे बेटे हैं, उनके जो छोटे सुपुत्र हैं जिनको घर में बिट्टू बुलाते हैं, तो बिट्टू आपको भी मेरी तरफ से नमस्ते, और हम ये ट्रिंकेट स्नेक को छोड़ने आए हैं अभी, आप देख सकते हो उसको, हम ये अभी बाहर निकलने के लिए काफ़ी बेकरार हो रहा है, इसे हम सही तरीके से इसको नेचर में रिलीज़ करेंगे, एकदम नज़दीक आ जाए, आराम से जाएगा, ये भी नज़दीक नज़दीक आ रहा, दिख रहा है ना, जाने जा आराम से, तो आप देख सकते हो किस तरह आराम से अपने नेचर में जा रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से जा रहा है वो आराम से निकल गया, वो देखो वो जा रहा है, उसकी तरफ दिखाऊंगा, देखिए किस तरह वो जा रहा है, तो इस तरह बेजुबान जानवर को हमने मुक्त किया, यही हमारे सर्प मित्रों का काम है, और यही हम करते रहेंगे, जितना हमसे अच्छा काम हो सकता है हम करेंगे, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले शाम के साथ, हर बार की तरह जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।